गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको हिंदी में 5-7 रीड करवाया था। आज मैं आपको उसके अभ्यास कार्य करवाऊंगी, जिसका पहला है सबदर्द। पाठ 7 बोलती गुफा के आपको सबदर्द करने हैं। सबदर्द है पहला गुफा। गुफा का जमीन या पहाड़ के अंदर का गहरा और अंधेरा गड्ढा। दूसरा है निशान। निशान को कहते हैं हम चिन्ह। तीसरा है चिंता। चिंता का मतलब होता है फिक्र। उसके बाद है यकीन। यकीन का मतलब होता है भरोसा। उसके बाद है भलाई। भलाई का मतलब होता है अच्छाई या हित। ठीक है, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक, पहला प्रश्न है, शेर शिकार क्यों नहीं कर पाता था? क्यों नहीं कर पाता था? वह बूढ़ा हो गया था। ठीक है, शेर शिकार इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था। दूसरा, रास्ते में गीदड़ ने क्या देखा? रस्ते में गीदड़ ने शेर के पंजे के निशान देखे। ठीक है, रस्ते में गीदड़ ने क्या देखा था? रस्ते में गीदड़ ने शेर के पंजों के निशान देखे। उसके बाद तीसरा, गीदड़ ने गुफा से क्या कहा? गीदड़ ने गुफा से क्या कहा था? गुफा, मेरी गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? ये कहा था। क्या कहा था? गुफा, मेरी गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? उसके बाद हम करेंगे खालिस्तान। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, देखो यहाँ पे, गीदड़, गुफा, जंगल, आवाज़। इसमें से आपको इसे फिल करना है। पहला है, किसी डैश में एक शेर रहता था, तो जंगल। दूसरा, उस गुफा में एक डैश रहता था, तो गीदड़। तीसरा, अच्छी बात है, मैं दूसरी डैश में चला जाता हूँ, तो क्या आएगा? गुफा। उसके बाद है, शेर की डैश सुनकर गीदड़ का संदेह दूर हो गया, तो आवाज़। ठीक है, तो आपको पाठ 7 बोलती गुफा जो मैंने आपको रीड कराया था, उसका आपको क्या करना है? सबदर्द, प्रश्न उत्तर और खालिस्तान। तो ये होमवर्क आपका हिंदी रीडर का है, तो आप इसको अपने हिंदी रीडर के नोटबुक में कर लीजिएगा। कल मैंने आपको मैथ्स में एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हंड्रेड्स कराए थे। ठीक है, तो मैंने आपको ऐड वाला समझा दिया था, आज मैं आपको सब्ट्रैक्ट वाला समझाऊंगी। करना हमें उसी तरह, बस साइन का चेंज हो गया है, तो मींस हमें इसमें प्लस की जगह माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है 200 माइनस 100, तो इसकल टू कितना हुआ? 100। ठीक है, 2 में से 1 माइनस कर दिया है इसमें। इसी तरह सेम इसमें डिजिट्स में कर दिए गए हैं कि 200 में से 100 माइनस किया तो 100 बचेगा। ठीक है, इसी तरह आपको नीचे भी करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे, इसमें लिखा है 400 माइनस 1, तो कितना आएगा? 300। ठीक है, 300 माइनस 200, तो कितना आएगा? 100। 500 माइनस 300, तो कितना आएगा? 200। 600 माइनस 400, तो कितना आएगा? 200। 700 माइनस 300, तो कितना आएगा? 400। 500 माइनस 500, तो कितना आएगा? 0। 5 में से 5 जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि 0 ही बचेगा। 900 माइनस 700, तो कितना आएगा? 200। उसके बाद हम ये डिजिट्स में करते हैं, 400 में से अगर 100 माइनस करते हैं तो 300 बचता है। 600 में से 200 माइनस करेंगे तो 400, एंड 600 में से 300 माइनस करेंगे तो 300। माइनस करना है इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। 9 में से 600 माइनस होगा, 900 में से 600 तो 300, 500 में से 300 तो 200, 700 में से 200 तो 500, और 800 में से 500 जाएगा तो 300, और 500 में से 200 तो 300, और 700 में से 400 तो 300, और 800 में से 300 तो 500, और 900 में से 900 गया तो 0, और 600 में से 500 जाएगा तो 100, एंड 900 में से 700 जाएगा तो 200। ठीक है, तो ये तो हो गए सबट्रैक्ट वाले। तो आपका एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग हंड्रेड्स आज ख़त्म होता है। कल ऐड वाला समझाते थे मैंने, आज मैंने आपको 100 वाले समझा दिए हैं। तो इसे आप करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, जिस तरह हमने पहले प्लस किया था कल, उसी तरह हमें इसमें माइनस है, और माइनस बच्चों को आते ही हैं, आप लोगों को आते ही हैं माइनस। तो उसमें आप आज मैं ईवीएस में आपको चैप्टर 6 पढ़ाऊंगी, वाटर मींस पानी। फ्रेंड्स, डू यू नो वेट्स डू वी गेट वाटर फ्रॉम, कि हमें, तुम्हें क्या आपको पता है कि पानी कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है हमारे पास? वेल, वी गेट वाटर फ्रॉम सिवरल सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से पानी हमारे पास आता है। देखो, वी गेट वाटर फ्रॉम स्नो, एज माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो।
ठीक है। देखो हमें पानी स्नो से पहाड़ों से मिलता है, ठीक है, पहाड़ों से आता है पानी। इन समर में उस पर देखा होगा आपने पहाड़ कि उसमें बर्फ़ जमी रहती है। इन समर द स्नो मेल्ट एंड वाटर फ्लो डाउन एज अ स्टीम और वाटरफॉल। और जब गर्मी होती है तो बर्फ़ पिघल जाती है, फिर वो बर्फ़ पिघलने के बाद वाटरफॉल एक झरना टाइप का बन जाता है, दैन इट्स टेक द फॉर्म ऑफ रिवर। और फिर वो एक रिवर में, रिवर का फॉर्म हो जाती है, एक रिवर का फॉर्म ले लेती है, इस रिवर में मिल जाती है। रेनफॉल इज़ द की सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो रेनफॉल होता है ना वो इज़ द की सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, धरती पर सबसे मेन सोर्स होता है, ठीक है। जो रेन वाटर होता है जो हमें कहाँ से मिलता है, रेन से, ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलता है, रेन से, बारिशों से। मच ऑफ द रेन वाटर फ्लो इनटू रिवर बाय ड्रेन एंड स्ट्रीम, सम रेन वाटर्स कलेक्ट इन पाउंड एंड लेक टू। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेन वाटर होता है वो कहाँ कलेक्ट होता है, ड्रेन्स में, स्ट्रीम्स में, सम्स। और कुछ रेन वाटर आपने देखे होंगे जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, लेक होते हैं, उसमें भी कलेक्ट हो जाता है। Some rainwater seep into the ground. The water that is underground is known as the underground water. देखो कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ बारिश का पानी होता है ना वो अंडरग्राउंड चल जाता है, मीन्स जमीन के अंदर भी चला जाता है, ठीक है, जिससे फिर हमें अंडरग्राउंड से भी वाटर मिल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। वी गेट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल, ट्यूब वेल एंड हैंड पम्प। हमें अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से आता है, फिर जो वेल से, कुएं से, ट्यूबवेल से और हैंडपम्प वगैरह आपने देखे हैं, तो नीचे से ही तो पानी आता है ना, वो पानी बारिश का ही होता है, रेनफॉल का इकट्ठा ही पानी होता है, ठीक है। तो आज हमने ये आधा चैप्टर पढ़ा है, कल हम इसका आधा पढ़ेंगे कि